मेरे साथ मौजूद है अपने जारहाना गुफ्तगू की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये फेमस हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन। जानेंगे इनसे कि पुलिस वालों से इनको मसला क्या है। पंजाब पुलिस फेक फैक्टिशियस पर्चों से बाज आ जाए यार, पुलिस को पता भी होता है पर्चा झूठ है वो फिर देती है। 300+ वीडियोस में से 40 वीडियोस हैं, दे आर अगेंस्ट दोस पुलिस ऑफिशियल्स हुज करप्शन हैज बीन एक्सपोज्ड बाय मी। मेरे ऊपर पर्चा हुआ, जिंदगी का पहला पर्चा सी ते दहशतगर्दी का पर्चा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि थानों में जाके जिस तरह का आपका रवैया होता है कि वो एक ऑन अ लाइटर नोट के ये बदतमीज़ी कह लें या गैर इखलाकी तौर पे इस तरह का रवैया एक वकील का जो प्रोफेशनल बंदा है उसका इदारे के अंदर जाके इस तरह का बिहेव करना? अच्छा देखिए, एक होता है गैर इखलाकी रवैया, एक होता है सख्त रवैया। मेरी अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर 300+ वीडियोज़ हैं। आपको एक वीडियो निकाल ली, उसका रेफरेंस मुझे दीजिएगा और उस वीडियो के अंदर कोई एक बात ऐसी निकाल लें जो गैर इखलाकी है और वो इखलाक के पैमानों के ऊपर आपने तय करना है कि वो गैर इखलाकी है कि नहीं। हाँ नहीं, डोंट यू थिंक, नहीं डोंट यू थिंक कि अगर एक बंदा अदालत में पुलिस वाला है, आप उसको वीडियो बना रहे हैं वो हरेसमेंट या उस चीज़ में, क्योंकि आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी की इजाज़त के बगैर ये चीज़ की जा सकती है। अच्छा देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट है अगर खसूसी तौर पे मैं उसकी बात करूं तो दे आर पब्लिक ऑफिशियल्स, वो प्राइवेट ऑफिशियल्स नहीं है। एवरी एक्शन ऑफ देम इज पब्लिक। अब मान लीजिए कि मैं उनको एक्सपोज करता हूं तो अगर मैंने गलत एक्सपोज किया है तो वो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बट दे नो व्हेन एवर आई अपलोड अ वीडियो, व्हेन एवर आई पब्लिश देम, whenever I expose them, there is sound reasoning and sound legal reasoning behind that. मान लीजिए मेरी कोई वीडियो है और मैं बता रहा हूं कि तुमने गलत पर्चा काटा था, तुम्हारे ऊपर पर्चा हुआ कैसा लग रहा है, तो ये किसी के लिए तो ये बदतमीजी है और गैर इखलाकी हरकत है। पुलिस वाले पुलिस वालों के खिलाफ पर्चे काटते हैं? देखिए, पुलिस ने पुलिस के ऊपर पर्चा काटना है बतौर पुलिस, वो टेक्निकल जरूर है लेकिन कानून कहता है कि जहां पे जुर्म हुआ है वहां पर पर्चा कटेगा। सबसे ज्यादा किस पुलिस वाले के साथ लड़ाई या मामला या किस केस में बने? देखिए, मैं पर्सनल तो किसी भी पुलिस वाले के साथ नहीं हूं। जो पुलिस वाले मुझे जानते हैं, मुझसे मिले हैं एक मरतबा, दे नो वेरी वेल। लाहौर में 85 थाने और हर थाने के अंदर मेरी रेड हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो वकील हूं जो हर थाने में गया हूं, शादरा से लेकर सुंदर तक, चुंग तक, हर थाने में गया। लेकिन ये मोबाइल लेके जाना और वीडियो, उसका क्या कि अब लोगों को दिखाना चाहते हैं या एक पब्लिसिटी स्टंट इसे कहा जा सकता है? बता रहा हूं आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर क्लियर करते हुए अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। कई पुलिस ऑफिशियल्स हैं, दे नो मी वेरी वेल हाउ आई हैव फॉरगिवन देम, मैंने उनको किस तरह माफ भी किया है कई चीजों पर। मैं माफ करने वाला कोई नहीं, उनका कोई जुल्म नजर आया, उन्होंने कहा सर माजरत करते हैं, आइंदा ये नहीं होगा, हम उनको छोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि मतीन भाई आप वो काम कर रहे हैं जो सहाफियों का है, मैं उनको कहता हूं सहाफी हमारे जैसा काम नहीं कर सकते। सहाफी सिर्फ जुल्म दिखा सकते हैं, हम तो जुल्म को रोक के दिखाते हैं। नहीं, सहाफियों ने भी जुल्म बड़ा बर्दाश्त किया है और उसके साथ मुकाबला भी किया है। बर्दाश्त करना और दिखाना एक अलग चीज है, रोकना एक अलग चीज है। ठीक है, आप मेरी कोई भी वीडियो देखिए उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, जनाबे वाला ये जुल्म हो रहा है। दूसरा पार्ट, इस जुल्म को हमने इस तरह रोका है। तीसरा पार्ट, कैसे रोका है। हर वीडियो के तीन पोर्शन। डर नहीं लगता? देखिए, डर सिर्फ अल्लाह की जात का होता है, लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का। हमारी अवाम पहली मर चुकी है रूहानी तौर पर, अब ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है, हमें जिस्मानी तौर पर मार देंगे और वो डर खत्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थ्रेड्स मिलते हैं स्पेसिफिकली? कभी फोन आया हो? कभी मुझे नहीं मिले। यानी ये जरूर है कि किसी दोस्त के जरिए कॉल आ गई, मतीन भाई वो फलाना बंदा कह रहा है ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं कर लो। नहीं, ऑफिशियल्स की तरफ से? देखिए, पुलिस ऑफिशियल्स याद रखिएगा कभी डायरेक्टली थ्रेट नहीं करते। ठीक है, दे ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट मीन्स टू थ्रेट स्पेसिफिकली दी एडवोकेट वंस। यानी आम बंदा हो ना तो उसको पुलिस वाला खुद डराता है, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, मैं तेरे ऊपर पर्चा दे दूंगा। वकील को पुलिस वाला ये कह के नहीं डरा सकता, तेरे ऊपर पर्चा दे दूंगा। आपने अभी कहा कि मेरी 300 से ज्यादा वीडियोज हाँ पड़ी हैं सोशल मीडिया पे,
इनमें से कितनी वीडियोज़ हैं जिसमें पुलिस वालों का आपने पॉजिटिव इमेज दिखाया? 300 प्लस वीडियोस में से तकरीबन 40 वीडियोस हैं जो अग्रेसिव वीडियोस हैं, जिनको आप जा रिहाना वीडियोस कहते हैं। दे आर अगेंस्ट दोज पुलिस ऑफिशियल्स हुज करप्शन हैज बीन एक्सपोज्ड बाय मी एंड लीगल एक्शंस हैव बीन टेकन अगेंस्ट देम, इवन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। 40 में से कोई 35 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने पुलिस वालों की करप्शन दिखाई है, और 5 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने बताया यार ये बंदा काम ठीक कर रहा है। आपके पास माशाल्लाह केसेस की बड़ी तादाद आती है, एक साल में कितने केसेस कर रहे हैं? मेरा जो लास्ट ईयर था आई डील्ड 265 केसेस। सोशल मीडिया की वजह से कितने केसेस आए? देखिए मेरी क्लाइंटेज पहले भी बहुत अच्छी थी, उसकी वजह यह है कि जब मैं वकालत के अंदर आया उससे पहले ही मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक था इलाके के अंदर, और एक ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था कि लोग वाकई कहते थे यार ये वकीलों का खानदान है, वकीलों के खानदान में वैसे ही केस आता है। तो मेरी जो अर्ली प्रैक्टिस थी जिसमें सोशल मीडिया भी नहीं था, वहां पर भी मेरी क्लाइंटेज अच्छी थी। सोशल मीडिया के बाद मेरी क्लाइंटेज तो अच्छी थी ही, लेकिन बदल गई। पहले मेरी जो क्लाइंटेज थी वो मिसेलिनियस केसेस थी, सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशनल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशनल, टैक्सेशनल, हर तरह के केसेस थे। अब जो मेरी मोस्ट ऑफ दी प्रैक्टिस है वो है एट्रोसिटीज के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। तो मेरे जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं वो मुआशरे में मौजूद किसी बुराई पर हैं, वो रिट्स हैं, वो क्वेश्चनमेंट्स हैं, वो डिस्चार्ज हैं, वो बेल्स हैं, वो हरासमेंट पटिशंस हैं, हेबियस कॉर्पस पटिशंस हैं, इंक्लूडिंग दोज केसेस विच आर टैक्सेशनल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंक्लूडिंग रिट अगेंस्ट नेपरा और समथिंग लाइक यू नो, हमने मुख्तलिफ अदारों के ऊपर रिट्स की हैं, तो उस तरह के भी केसेस हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि काला कोर्ट जो है इसका आप थोड़ा सा फायदा उठाते हैं? देखिए थोड़ा नहीं, मैं पूरा फायदा उठाता हूँ। अच्छा, और मेरा ये मानना है कि आप किसी भी फील्ड में उसका पूरा फायदा उठाएं। आप सहाफी हैं तो आप कैमरे का पूरा फायदा उठाएं, मैं अगर वकील हूं तो मैं काले कोर्ट का पूरा फायदा उठाऊंगा, ये मेरा फर्ज भी है और हक भी है, ऐसे राइट, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। अच्छा, कभी थाने में अगर आप गए हो तो पुलिस वाले जिसके खिलाफ ही कार्रवाई करने लगे हैं वही कहे कि भाई मैं तो आपका फैन हूं, आपकी वीडियोस देखता हूं, हुआ कभी ऐसा? देखिए ऐसा कई मरतबा नजर आता है, और कई हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कहते हैं कि भाई जान हम आपके फैन हैं। मैं उनको कहता हूं भाई जान हम आपके फैन, लेकिन मैं छेड़ना नहीं, नहीं नहीं, मैं जनरली किसी के भी खिलाफ नहीं। आफिजान भाई अगर मुझे आपने देखा है अगर पर्टिकुलरली और प्रोफेशनली अगर आपने मुझे देखा है, तो मैंने कहा 300 प्लस मेरी वीडियोस हैं जिसमें सिर्फ 40 वीडियोस एंटी पुलिस हैं, 40 यानी पुलिस ऑफिशियल्स में, जिनमें से 35 एंटी पुलिस हैं, जो 5 वीडियोस हैं वो भी पुलिस के हक में हैं। तो मुझे अगर एंटी पुलिस कहा जाए तो ये समझ ले मेरे साथ नाइंसाफी है। हाँ, एंटी करप्ट पुलिस की मैं खुश हूं, और एंटी करप्ट ऑफ एनी डिपार्टमेंट के तो मैं खुश हूं। अच्छा, कहते हैं कि शेर जो है ना जंगल का बादशाह होता है, और जंगल में शेर पे पर्चा हो जाए तो ऐसा कुछ ही हुआ आपके साथ? मामला ये है कि मेरे ऊपर पर्चा हुआ जिसका आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, 780 का पर्चा था। पर्चे के कंटेंट्स को आप पढ़ लीजिए, 780 सबसे जो भारी पर्चा। मैं अक्सर मजाक में अपने दोस्तों से कहता हूँ ताड़े पुराने कोई छोटा मोटा पर्चा लेता ही नहीं, जिंदगी का पहला पर्चा सी दहशतगर्दी का पर्चा, यानी मैं दहशतगर्द हूँ। क्या दहशतगर्दी? पंजाब पुलिस के सामने, और वाकई मैं इनके लिए दहशत बन चुका हूँ। ये अदालत में था ना आपका मामला जो भी बना, जिसपे आप कोई भी मामला नहीं, आप पर्चा पढ़े, पर्चे के अंदर लिखा है कि मैंने दंदियां काटी हैं उनके साथ, पता नहीं कौन सी लव बाइट को वो समझ के बैठे हुए हैं कि मैंने उनके साथ ज्यादती कर दी है। अच्छा, बाय द वे उसमें लिखा है दांतों से काटा, जिससे अदालत में खौफ और हरास पैदा हो गया, लोग तितर बितर हो गए, भागने लगे, 780 लगा दी। क्या हाल निकला उसका? देखिए हाल ये चंद चीज़ों के जो हाल हैं वो ऑफ दी रिकॉर्ड ही बेहतर अच्छे लगते हैं। चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि मैं कम से कम ज्यादती करने वाला बंदा नहीं है। अगर वो जो भी मामला पेश आया उसके अंदर मेरा क्या कसूर था? मेरा कोई भी कसूर नहीं था। I was just counsel in that case, और मेरे ऊपर ये पलंदा फेंका गया सिर्फ इसलिए कि इनको नथ डालने के लिए एक ही बंदा आगे पेश है, और इनकी पूरी पब्लिसिटी के ऊपर एक काला धब्बा बन चुका हूं मैं। ये लाखों रुपए अरबों रुपए लगाकर पुलिस डिपार्टमेंट को सॉफ्ट इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं, और मैं रियल ग्राउंड दिखाता हूं
कि थाने सिर्फ इमारतों से ठीक नहीं। अच्छा, आखिर में जो आपके बहुत ही दिल के करीब हैं हमारे पंजाब पुलिस वाले, उनके लिए एक मुस्बत पहलू में कोई मैसेज दें। मुस्बत पहलू में रोज़ाना की बुनियाद पर बताता हूँ, मोहब्बत तो है ना पंजाब पुलिस। फेक फैक्टिशियस पर्चों से बाज आ जाए यार, आपको पता नहीं है कि आप झूठा पर्चा जब काटते हैं तो पूरा खानदान तबाह हो जाता है। और यकीन जानिए, सिर्फ झूठे पर्चे रुक जाए ना, सिर्फ झूठे पर्चे, पुलिस को पता भी होता है पर्चा झूठा है, वो फिर देती है। सिर्फ झूठे पर्चे रुक जाए, अदालत से 90% केस भी खत्म हो जाएगा। और अदालत से जब 90% केस खत्म होगा तो 10% केसेस को अदालत भी अच्छे से डील करेगी। इंशाल्लाह पंजाब पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है और जबरदस्त पुलिस है पूरे पाकिस्तान की। और कई मरतबा तो पंजाब पुलिस बहुत अच्छा करती है। कई बंदे बड़े हार्डन्ड क्रिमिनल्स होते हैं, उनके इनकाउंटर्स भी होते हैं, अच्छा होता है। अब आप कहेंगे कि आप गैर कानूनी बात कर रहे हैं, गैर कानूनी बात तो है कि हार्डन्ड क्रिमिनल्स को भी ट्रायल फेस करने पड़ते हैं, लेकिन कई ऐसे बंदे होते हैं जो जेल से छूटते ही ना, क्योंकि सबूत प्रॉपर बनता नहीं, जेल से छूटते फिर किसी को ठोका होता उन्होंने, उनके फिर फेक इनकाउंटर्स भी होते हैं, उसको लेट इट असाइड। लेकिन आप किसी बंदे के ऊपर झूठा पर्चा देते हैं ना, किसी मजलूम के ऊपर, मासूम के ऊपर, उसका घर बार सब कुछ बिक जाता है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ चैनल्स हैं जो थंबनेल ऐसे बनाते हैं जो कुछ उस लेवल के होते हैं, क्या इस हवाले से भी कोई केसेस वगैरह होते हैं? बहुत ज़्यादा हैं। मेरा लास्ट टाइम ताबश हाशमी प्रोग्राम के ऊपर आया था, मामला ये था कि ताबश हाशमी प्रोग्राम के पीछे के ऊपर नहीं, वो था मेन स्ट्रीम मीडिया पे। सोशल मीडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी मुकन्ना ने बनाए नहीं हैं प्रॉपर, तो हम वकला सिर्फ कानून की पासदारी के लिए काम करते हैं। तो आप लोगों के खिलाफ जो डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं, हमारे पास पावर्स नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ हमारे पास पैमरा है, पाकिस्तान एक इदारा है जिसके जरिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, एक्ट्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, जो हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतरी भी आई। ताबिश हाशमी को तो लव यू कह रहे हैं। लव यू यार, उसने अपने आप को बेहतर, ताबिश हाशमी यार लव यू, आप वाकई अपने आप को आपने बड़ा इंप्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस इज ग्रेट। हाँ, चंद खच्चे अभी भी आप मार जाते हैं, लेकिन यार प्लीज इसको जरा इंप्रूव करें, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। यू मस्ट बी आइडियल फॉर ऑल दोज पर्संस हु वांट टू बी पार्ट ऑफ कॉमेडी, यू नो, सर्कल आर कॉमेडी प्रोग्राम्स।